हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन फैशन ब्लॉगर्स चैनल। एंड यूजुअली विंटर्स आ चुके हैं तो everyone's applauding about winter's haul and सरोजिनी नगर से बेटर एंड अमेजिंग विंटर कलेक्शन और कहीं हो ही नहीं सकता है। सो ओबियसली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सरोजिनी नगर विंटर कलेक्शन। बट मैं सरोजिनी नगर गई थी 2 हफ्ते पहले, उस टाइम पे प्रॉपर विंटर कलेक्शन नहीं था। ओबियसली मैंने कुछ समर्स के भी लिए थे लाइक क्रॉप टॉप्स, तो सो दैट टाइम आई थॉट कि मैं उनको कुछ स्टाइल अप कर लूँगी इन विंटर्स। एंड मुझे कुछ क्रॉप टॉप्स ना चाहिए भी थे टू वियर अंडरनीथ दी जैकेट्स और कोट्स। सो यू गाइस गेट रेडी टू वॉच योर एंटरटेनिंग वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉप। एंड ये मास्टर कलर का क्रॉप टॉप है एंड 3/4 स्लीव्स का है एंड इसमें स्वीट हार्ट नेक है इसका और एंड फैब्रिक है इसका सिंथेटिक और सेटिन कुछ ब्लेंडेड सा फैब्रिक है इसका और इसके अंदर ब्रा कप्स भी हैं जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड इसके साथ वियर किया मैंने ये बॉटम एंड की कुछ लाइनिंग वाली है, इसके फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ये बॉटम पैंट्स मुझे मिले एट जस्ट 150 रुपीज़ एंड ये मैंने सेल में से बाई किया है एंड सो बट इट्स वर्थ इट गाइज बिलीव मी। एंड इसके पैंट्स आप एज यू कैन सी इन दी पिक्चर मैंने वियर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड कम्फर्टेबल है एंड ब्लैक कलर का है तो आप कुछ भी स्टाइल कर सकते हो उसके साथ, कोई भी टॉप क्रॉप टॉप पहन सकते हो, जैकेट कोट। सो इसी के साथ मैंने बाय किया था और सेम शॉप से मैंने बाय किया है ये लेवेंडर कलर का क्रॉप टॉप एंड इट्स नॉट अ प्रॉपर वॉर्म फैब्रिक बट इट्स अ लिटिल बिट वॉर्म बिकॉज वुलन फैब्रिक तो है एंड सेम 3/4 स्लीव्स हैं इसके एंड इसका नेक है स्क्वायर नेक एंड बटन की डिटेलिंग दी हुई है इसमें एंड सेम किसी भी बॉटम के साथ आप वेयर कर सकते हो। लेवेंडर कलर ट्रेंडिंग है और सो विंटर सीजन एज अ बेसिक टॉप आप इसको अंडरनीथ जैकेट्स एंड कोट्स वेयर कर सकते हो। एंड द सेम फैब्रिक में मैंने बाय किया है ये, आप कुछ भी कह सकते हो, मिडी ड्रेस कह सकते हो या लॉन्ग वूलन टी शर्ट कह सकते हो उसको एंड उस नेक इसका नेकलाइन है एंड हाफ स्लीव्स का है एंड वुलन फैब्रिक है और एज यू कैन सी दिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। एंड जब मैंने इसको बाय किया था तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि मुझे पता नहीं फिट आएगा या नहीं, इसकी नेक बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी मुझे, तो मुझे लग रहा था, मुझे डाउट था कि मुझे आएगा या नहीं। तो मैंने सेल में से बाय किया था तो मुझे होर्डिंग्स सब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, वो वाली सेल में से बाय किया था तो मुझे वहाँ पर ट्राई भी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे आएगा नहीं। बट जब मैंने इसको वेयर किया गया आई वॉज शॉक्ड कि मुझे आ गया और इतना कंफर्टेबल फैब्रिक है, इतना इसका ना ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो एंड जिगिंग्स के साथ एंड स्टॉकिंग्स के साथ एंड आप ऐसे भी पहन सकते हो विद लॉन्ग वो कोट्स एंड सिंपल है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है इस पर एंड सिंपल सॉलिड कलर्स हैं जो कि मेरा पर्सनल स्टाइल है, मेरा पर्सनल फेवरेट होते हैं सिंगल एंड सॉलिड कलर्स। नेक्स्ट आइटम है फॉर विंटर वुलन स्कर्ट एंड प्लीटेड स्कर्ट एंड अम्ब्रेला कट में है ये एंड वीडियो में मैंने इसको स्टाइल अप कर रखा है इस टॉप के साथ एंड ये स्ट्रेचेबल टॉप है, क्रॉप टॉप है और हॉल्टर नेक है इसका एंड मुझे काफ़ी टाइम से हॉल्टर नेक का एक टॉप चाहिए था। हॉल्टर नेक का मतलब कुछ भी, मुझे ड्रेस कुर्ती, मेरा पर्सनल फेवरेट नेक लाइन स्टाइल है ये हॉल्टर नेक। तो वीडियो में मैं ट्राई ऑन के लिए मैंने इन दोनों को पेयर अप कर रखा है बट आप इनको डिफरेंट इसको बॉटम के साथ स्टाइल अप कर सकते हो, पहन सकते हो अंडर नीड डी जैकेट सेम और कोट एंड स्कर्ट को आप स्टाइल अप कर सकते हो ब्लैक कलर के हाई नेक के साथ आप इसको स्टाइल अप करोगे बहुत अच्छा, लूज वाला जो होता है नॉट फिटेड, लूज वाले के साथ आप इसको स्टाइल अप करोगे बहुत अच्छा लगेगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्कर्ट भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है और स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसका एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड
किसी भी पोस्चर में बैठ जाओ आप तो बिल्कुल भी आपको फिटेड नहीं लगेगा और अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये स्कर्ट। क्रॉप इज़ आल्सो अ क्रॉप टॉप एंड दिस इज़ अ बेबी पिंक एंड चेन के स्ट्रैप्स हैं इसके एंड दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रेचेबल टॉप, बैक में स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसके एंड बट बहुत ही अच्छे से मुझे फिट हो गया ये एंड कंफर्टेबल भी था एंड कोई टाइट नहीं लग रहा था मुझे, बहुत कंफर्टेबल है एंड मैंने इसको पेयर किया है वीडियो में विद दिस जैगिंग जो कि नेवी ब्लू कलर की जैगिंग है और ये बिल्कुल भी सरोजी नगर से नहीं है एंड ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से बाय की है। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड ब्लू विंग्स एंड गाइज आई वॉन्ट टू शेयर विद यू के जो जैगिंग्स और डेनिम जीन्स वगैरह होते हैं वो मैं सरोजी नगर से बिल्कुल भी बाय नहीं करती हूँ बिकॉज उनका फैब्रिक इतनी चीप क्वालिटी का होता है ना कि आई कैन टेल यू। सो ये जैगिंग मैंने सरोजी नगर से नहीं ली, ये मैंने अपने लोकल मार्केट शोरूम से ली है और इसकी स्ट्रेचेबिलिटी आप देख सकते हो एंड अगर आप सेम थिंग आप सरोजी नगर से बाय करोगे तो आपको ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जैकेट मैंने सरोजी नगर से ली है बट ये मैंने सेल में से नहीं ली, दैट्स वाई मैं आपको शेयर करना चाहती थी कि वो क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो शॉर्टिंग्स के साथ जो लगी होती है सेल उसमें भी डेनिम के जैकेट्स और शर्ट्स मिलते हैं तो उनका फैब्रिक जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। सो ये जैकेट मैंने कोई सेल से नहीं खरीदी थी, ये मैंने शॉप से खरीदी थी और इसका प्राइस है 500 रुपीज़ एंड जो सेल में होती हैं उनका प्राइस होता है अराउंड 150 to 200 or 250 rupees एंड आप देख ही सकते हो डिफरेंस द डेनिम क्वालिटी ऑफ दिस जैकेट। बहुत ही ईजी होता है कि डेनिम जैकेट को स्टाइल करना एंड नेक्स्ट क्रॉप टॉप्स हैं वेलवेट के हैं एंड मैंने ये एज अ टॉप सोच के बाय नहीं किए, मैंने एज अ ब्लाउज़ इनको सोचा है ना, आप ब्लाउज़ की तरह लग रहे हैं वेलवेट के ब्लाउज़ होते हैं जैसे एंड एक नोटेड स्टाइल दिया हुआ है इस पे पीछे और मैं इसको एज अ ब्लाउज़ स्टाइल करने वाली हूँ एक मेरी साड़ी के साथ एंड नेक्स्ट एक बेसिक वेलवेट स्ट्रैप टॉप एंड लाइक कैमिसॉल टाइप जो होता है वैसा सा एंड नेवी ब्लू कलर का एंड ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन द वेलवेट फैब्रिक एंड सो दिस टाइम मैंने इसको स्टाइल कर रखा है एक वेलवेट के लोअर के साथ जो कि ऐसी शॉप से बाय किया था जहाँ से कि मैंने वेलवेट टॉप बाय किए थे एंड इसका प्राइस है 400 रुपीज़ एंड काफ़ी ज़्यादा वार्म है अंदर से भी इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा। सो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो एंटरटेनिंग लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय टेक केयर लव यू।